नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कोविड 19 की तीसरी लहर को लेकर बैठक के बाद बताया, तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी। केजरीवाल ने बताया कि पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं का पहले से बेहतर प्रबंध किया जाएगा। गौरतलब है, दिल्ली में कोविड 19 के 50,863 सक्रिय केस हैं। टीवी शो दिया और बाती हम फेम एक्ट्रेस दीपिका सिंह की चक्रवात ताऊते के बीच मुंबई में टूटे पेड़ के पास तस्वीरें खिंचवाने और डांस करने को लेकर आलोचना हो रही है। एक यूजर ने लिखा, लोग चक्रवात में मर रहे हैं और आपके जैसे लोग मजा ले रहे हैं। अन्य ने लिखा, जब तक खुद पर नहीं आती इंसान को समझ नहीं आता। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया कि उन्होंने पटना में अपने सरकारी आवास पर तमाम जरूरी दवाओं, उपकरणों और खाने पीने की निशुल्क सुविधाओं वाले कोविड केयर सेंटर की स्थापना की है। बकौल तेजस्वी, उनका आग्रह है कि सरकार इसे टेक ओवर कर चलाए, क्योंकि सरकारी बंगला होने के चलते वो खुद इसे नहीं चला सकते हैं। असम के चिरांग में 14 वर्षीय किशोरी ने एक कॉलेज के प्रोफेसर के घर पर कथित तौर पर सोमवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी ने एक दोस्त को भेजे संदेश में उस पर हुए यौन हमले की जानकारी दी थी। वहीं प्रोफेसर व किशोरी के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रुकवा दिया था। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने कोविड 19 के मद्देनजर 10वीं की परीक्षाओं को रद्द और 12वीं की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला किया है। इन दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं जून में प्रस्तावित थी। बकौल NIOS, उसके द्वारा तैयार की गई उपयुक्त मूल्यांकन योजना के आधार पर 10वीं के छात्रों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों में लगातार वृद्धि और कोविड 19 के साथ इसकी एकीकृत एवं समन्वित इलाज के मद्देनजर इसे महामारी और नोटिफाइबल रोग घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को म्यूकरमाइकोसिस के लिए अस्पतालों में विशेष उपचार सुविधा उपलब्ध करने और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो चीजों की बात की, सिंगापुर के स्ट्रेन की और बच्चों की, लेकिन केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता हुई और केजरीवाल को बच्चों की। बकौल सिसोदिया, मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चों की हिफाजत का है। केंद्र को सिर्फ विदेशों में अपनी इमेज मेकिंग की परवाह है। 2018 के बॉल टैंपरिंग स्कैंडल पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने गेंदबाजों को गेंद से छेड़छाड़ की जानकारी थी बयान के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर सवाल उठने पर उन्होंने एक बयान जारी किया है, जिसे माइकल क्लार्क ने चालाकी भरे शब्द बताया। उन्होंने कहा कि गेंदबाज भूल गए कि पूरी बहस सामने कैसे आई और गेंदबाजों को बैनक्रॉफ्ट का भी नाम लेना चाहिए। टेस्ला के एक फैन ने जर्मनी में कंपनी के फैक्ट्री स्थल के बाहर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को उनका कार्डबोर्ड कटआउट पेश किया। मस्क ने इस पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैंने इससे पहले कभी अपने लाइफ वर्जन कटआउट पर हस्ताक्षर नहीं किया था। शख्स ने मस्क को बताया कि वो 7 साल से टेस्ला मॉडल एस चला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार को गुजरात व दमनदीव के दौरे पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि प्रधानमंत्री तूफान ताऊते से प्रभावित महाराष्ट्र के इलाकों का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, क्या ये साफ साफ भेदभाव नहीं है। बकौल मलिक, महाराष्ट्र के 5 जिलों में बड़ी तबाही हुई। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने इंदौर के सरकारी अस्पताल में चूहों द्वारा नवजात का पैर कुतरने के मामले पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। नर्सरी केयर यूनिट की इस घटना की अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रमेंद्र ठाकुर ने पुष्टि की है और एक नर्स निलंबित हो गई है। वहीं उपचार के बाद नवजात की हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताऊते से प्रभावित हुए गुजरात और दमनदीव के क्षेत्रों का बुधवार को हवाई सर्वेक्षण किया और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौजूद रहे। हवाई सर्वे के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में समीक्षा बैठक भी करेंगे। बकौल मुख्यमंत्री रूपाणी, चक्रवात से 16,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए जबकि 40,000 से अधिक पेड़ उखड़ गए हैं। तेलंगाना के हैदराबाद का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लॉकडाउन के बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मी महेश कुमार 2 बच्चों को अपना टिफिन का खाना खिलाते हुए दिख रहे हैं। बकौल पुलिस, महेश सोमवार को ड्यूटी के लिए आ रहे थे, तभी उन्हें ये 2 बच्चे खाने के लिए भीख मांगते दिखे थे। कमिश्नर रंजनी कुमार ने इसके लिए महेश को सम्मानित किया है। गाजा में इजरायली मिसाइल हमले के बाद बचाव कर्मियों द्वारा ओमर अल हदीदी को उसकी मृत मां की बाहों से निकाला गया और उसके एक पैर में 3 जगह फ्रैक्चर है। उसके पिता ने कहा, मेरे पास दुनिया में तुम्हारे अलावा कुछ नहीं बचा है। इस हमले में बच्चे की मां व उसके 4 भाइयों की मौत हो गई है। द
दक्षिण भारतीय अभिनेता जूनियर एनटीआर ने अपने फैंस के नाम संदेश जारी कर उनसे 20 मई को उनका जन्मदिन न मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा, प्रिय फैंस, आप सभी का शुक्रिया। मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा कि आप घर में रहें। उन्होंने कहा, देश कोविड-19 से लड़ रहा है, कई लोगों ने प्रियजन खो दिए, ये जश्न मनाने का समय नहीं है। अभिनेता मुकेश खन्ना ने अपने निधन की झूठी खबर फैलाने वालों के नाम वीडियो संदेश जारी कर उन्हें चेतावनी दी है। उन्होंने वीडियो में कहा, जमीर है या नहीं, ऐसी झूठी खबरों से आपके पोस्ट की व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी, ये कोई सनसनीखेज विषय नहीं है, बेहद संवेदनशील मामला है। वहीं कैप्शन में उन्होंने लिखा, मैं पर्दा फाश करूंगा और आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड-19 से मौतों पर बुधवार को ट्वीट किया, वैक्सीन कम होती जा रही है और कोविड-19 से मृत्यु बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की नीति है, ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर तथ्य छिपाओ। दरअसल बीजेपी ने मंगलवार को एक टूल किट का हवाला देकर कांग्रेस पर प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस की कथित टूल किट को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा, टूल किट के जरिए कुंभ मेला और हिंदू धर्म को बदनाम करना सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक साजिश व अपराध है। बकौल रामदेव, ऐसा करने वालों से अपील करता हूं कि वे राजनीति करें लेकिन हिंदुओं का अपमान न करें, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। अदानी ग्रीन एनर्जी ने भारत में करीब 5 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो वाली SB एनर्जी के 100% अधिग्रहण के लिए $3.5 अरब यानी तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अदानी ग्रीन 80% शेयर सॉफ्टबैंक और 20% शेयर भारती ग्रुप से प्राप्त करेगी। ये भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, पंचायत चुनाव ड्यूटी करते हुए मारे गए 1,621 शिक्षा कर्मियों की लिस्ट को यूपी सरकार झूठ कहकर मृत शिक्षकों की संख्या 3 बता रही है। उन्होंने कहा, मृत्यु के बाद सरकार उनका सम्मान छीन रही है। वहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका लाशों पर राजनीति न करें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक हिंदू युवती ने अपने मुस्लिम पति के खिलाफ धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि पति जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और उसके परिवार के 2 लोग उसे मारते पीटते हैं। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला है कि महिला पुरुष की शादी 3 महीने पहले हुई है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को प्रदेश सरकार से पूछा कि कोविड-19 संक्रमित होम क्वारंटीन मरीजों को दवा भोजन क्यों उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कोर्ट ने वकील HP गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये भी पूछा कि पैरा मेडिकल स्टाफ को ड्यूटी के बाद ठहरने के लिए स्थान क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने बुधवार को बलिया में कहा कि योगी सरकार के शब्दकोश में दायित्व बोध और दया नाम का शब्द ही नहीं है। उन्होंने कहा, मौजूदा दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम का अधिकतम समय अखबारों में हेडलाइन तय करने और उसे प्रचारित करने में लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अबेनहटा में लापता हुए डॉक्टर अभिषेक शर्मा की लाश करनाल नहर में मिली है। SP अतुल शर्मा ने बताया कि वो करनाल के एक निजी अस्पताल में नौकरी करते थे। बकौल SP अभिषेक के परिजन ने अस्पताल मालिक और उसके साथी चिकित्सक को नामजद करते हुए हरियाणा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया लाइव न्यूज।